हाउ आर यू। सो हम लोग जा रहे हैं टर्की, अभी बज रहे रात के 2 और हम लोग अभी एयरपोर्ट पे हैं, हमारा चेक इन स्टार्ट हो चुका है। ओके गाइस, तो क्यू ख़त्म हो चुकी है चेक इन की, तो क्या नाचो मैं? हम भी जाते हैं अब हमारी फ्लाइट में और आपसे मिलते हैं टर्की। ओके बाय, सी यू टुमारो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रात के 2 बजे से निकले हुए थे, अभी 11 बजे पहुँचे हैं, वो भी बहरीन से। तो हमारे होटल तक जाने के लिए हम लोग ट्रैम से जा रहे हैं, तो चलो हमारा फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट टर्की में, शेयर करते हैं कैसी है यहाँ की ट्रैम्स। लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग 12 अराउंड कुछ हमारे होटल पहुंच गए थे। होटल पहुंचने के बाद हमने थोड़ा खाना खाया और फ्रेश हुए और सो गए थोड़ी देर। तो चलो मैं आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ रुके। वैसे तो इतना अच्छा तो नहीं है रूम, बट इस प्राइस पॉइंट पे शायद यही मिलेगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं यहाँ प्राइस और होटल का नाम लिख दूंगी। लेट्स सी रूम, चलो। लेकिन थोड़ा मैसी है रूम, प्लीज़ डोंट माइंड। चलो तो हम लोग रूम नंबर 204 में रुके हैं। और रूम कुछ ऐसा है, यहाँ पे चेयर है ये, और यहाँ पे हमारा लगेज है जिसके ऊपर हमने टॉवल रख दिया है। ये डाइनिंग एरिया है, छोटा टीवी, एसी एंड मिनी किचन काइंड ऑफ। ये फ्रिज है, छोटा फ्रिज। यहाँ पे डस्टबिन है और ये सिंक, रेड केटल, और यहाँ पे कप्स एंड कटलेरी वगैरह सब, प्लेट्स, और ये बेड है। बेड के यहाँ विंडो है छोटी, एंड दिस इज वार्डरोब, एंड दिस इज वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी छोटा है बट काफ़ी क्लीन है, दैट्स व्हाट वी लाइक इट। दिस इज वॉशरूम, एंड ये मेरे हस्बैंड है जो अभी सो रहे हैं। एंड एक ये क्यूट सा कारपेट है, बहुत क्यूट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। रूम काफ़ी छोटा है बट काफ़ी क्लीन है, और हमने ये होटल इसलिए लिया क्योंकि हमें प्राइवेट बाथरूम चाहिए था। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ एयरबीएनबी में प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे शेयरिंग वॉशरूम्स थे। लाइक आपको रूम तो अच्छा और बड़ा मिल जाता था, पर जो वॉशरूम था वो आपको ओनर के साथ शेयर करना पड़ता था। सो वो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लगा। अगर मेरे हस्बैंड अकेले होते तो डेफिनेटली वो एडजस्ट कर लेते, बट लाइक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हाई, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम हमारा डे शुरू करने के लिए स्कूटी रेंट करने आए। चलो दिखाती हूँ कहाँ से हमने स्कूटी रेंट करी और क्या चार्जेस है। सो प्राइजेस है 25 यूरो फॉर 1 डे। अभी बज रहे हैं 8:30, हम अभी लेंगे और इवनिंग को 8 o'clock को हमें वापस देना है। और अगर टर्किश लीरा में ले रहे हैं तो 750 फॉर स्कूटर। इनके पास कार्स भी है रेंट के लिए अगर आपको कार लेनी है तो, बट वी प्रीफर स्कूटी, मच ईजियर बिकॉज़ यहाँ की स्ट्रीट्स बहुत नैरो है। एंड हाँ, ये बिल्कुल जो है शॉप बिल्कुल ओल्ड सिटी वाला गेट है, और यहाँ पे रेंटल कार है, और यहाँ पे बाजू में एक मॉस्क भी है, इफ़ यू कैन सी। बात रहा हूँ तुम
तो हमारे साथ यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई है। तो हम लोग पेट्रोल पंप पे आए थे और सुनो हमारे साथ क्या हुआ। चलो बताओ क्या हुआ हमारे साथ। इज ब्रोकन, आई थिंक इट वाज वीक की। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सी से डेट सी विल कम। अब देखते कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है। आई थिंक 200 लीरा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इतनी वीक की लेके आ गए हम। वो हम हमने जैसे टर्न किया, साला किस्मत जब खराब हो ना तो ऊपर से भी कुछ भी हो सकता है। चाबी टूट गई हमारी स्कूटी की, तो अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। लकीली हम फ्यूल स्टेशन पेट्रोल स्टेशन पे, उसने हमें बिल दिया था। उस बिल में स्कूटी ओनर का नंबर था, स्कूटी ओनर का नंबर था। तो हमने उन्हें कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो वो अभी उनके पास एक्स्ट्रा की तो नहीं थी, बट वो आएंगे और स्कूटी रिप्लेस करेंगे। मतलब ये स्कूटी यहीं छोड़ देंगे और दूसरी स्कूटी लेके आ रहे हैं, तो हम उस स्कूटी में जाएंगे अब। बट पता नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस तो हमें भरने ही पड़ेंगे इस इंसान की वजह से। स्कूटी की चाबी तोड़ दी। मेरा फॉल्ट नहीं है यार, चाबी मैंने क्या किया तुम्हारे सामने। चाबी भी तो नेक्स्ट टाइम यार जो हमारे साथ हुआ है ध्यान रखना, अगर स्कूटी हायर कर रहे हो तो कि पहले से ब्रोकन ना हो। बिकॉज यार अब हम तो पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे, अगर कहीं रास्ते में चाबी अभी टूट गई और गिर गई तो फिर तुम लोग क्या करोगे। अच्छा हमको सिखा दिया है। तो चलो सबक सबक ऐसा ही होता है। तो हम लोग अभी दूधन वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। चलो देखते हैं अंदर क्या है। लेट्स गो। टिकट हमारा 100 लीरा लिया है। हाँ, दो जन का टिकट हमारा 100 लीरा लिया है दो जने का वाटरफॉल का। वाटरफॉल से यहाँ कैफ़े में आ गए। वाटरफॉल के अंदर से ही एक जगह है। आप तो मतलब लास्ट में आते हो, वहाँ पे स्टेयर्स है और ऊपर एक एम्प्लॉय रहता है वहाँ पे। वो आपको पूछता है कि आपको अगर कैफेज में जाना है तो आप वापस वाटरफॉल नहीं जा सकते हो। तो हमें वैसे भी भूख लग रही थी, तो हम लोग कैफ़े में आ गए। तो बट सी, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैफे से कैसा व्यू है। इतना ब्यूटीफुल तो वाटरफॉल नहीं लग रहा था जितना कैफे से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है मेरे पीछे। देख रहे हो कितना सुंदर है। और यहाँ से इन्होंने बोला है कि अगर आप डायरेक्ट आप यहाँ पे तब आओ जब आपको वाटरफॉल से एग्जिट करना हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस से एग्जिट है जहाँ पे पार्किंग है। तो हम लोग वहाँ से चल चल के चले जाएंगे पार्किंग तक। तो देखो पीछे छोटा वाटरफॉल, सी हाउ ब्यूटीफुल। और ये सारी सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ के कुछ भी खा सकते हो, कुछ ऑर्डर करते हो। हमने तो फ्रेंच फ्राइज मंगवाई क्योंकि हमें कुछ और मेन्यू में समझ ही नहीं आया। बट आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। सी दिस। लोकेशन पे ये भी वाटरफॉल ही है, बट ये वाटरफॉल डायरेक्ट सी में जा रहा है। और सबसे
अजीब बात ये है ना, सबसे अजीब बात हमारे साथ ये हो गई कि इस वाटरफॉल का और जो पहले हम वाटरफॉल गए थे दोनों का नाम दूधन है, तो हम कंफ्यूज हो गए कि यार हम इस वाटरफॉल में तो लाइक हम लोग जो लास्ट वाटरफॉल में गए थे ना वहाँ पे वो सीन नहीं आ रहा था, लाइक सी में वाटरफॉल नहीं जा रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम लोगों ने वहाँ पे कैफे में कैफे के ओनर को पूछा भाई फोटो दिखा के कि ये वाटरफॉल कहाँ है, हम तो इसी वाटरफॉल पे आए। तो उसने हमें बताया कि इन दोनों का नाम सेम है बट लोकेशन अलग है। तो अभी बस जा रहे हैं हम लोग एक्सप्लोर करने वाटरफॉल को। और देखो यहाँ पे साथ में गार्डन भी है सी। और एक और चीज उन लोगों ने बोला कि आपको यहाँ पे अगर आपको गूगल मैप पे देखना है तो लारा वाटरफॉल करके भी आप देख सकते हो। लाइक लारा वाटरफॉल नहीं आता है बट लारा बीच के नियर बाय समुद्र। ये वाला भी बट सामने ओशन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब वाटरफॉल तो लाइक ओके बट हाँ रियली यहाँ से व्यू, ओशन का व्यू बहुत अच्छा है। तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन लारा बीच। आई थिंक लारा बीच पब्लिक बीच है तो यहाँ पे लाइक चार्जेस वगैरह नहीं है कुछ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे आ सकते हो। बट इसी लाइन में और भी सारे बीचेस देखे थे हमने जहाँ पे बार्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, कैफेज थे और जहाँ पे बाहर हट्स वगैरह बनी हुई थी। लाइक इसी रोड पे मतलब ये पूरा एक लेन ही है जहाँ पे सब जगह बीचेस है बट लारा बीच इज पर्टिकुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट। मे बी इट्स अ गवर्नमेंट बीच एंड आगे इसी लाइन में और भी बीचेस है वो सारे चार्जेबल थे। लाइक आप वहाँ पे जाओ खाओ और पे करो और फैसिलिटी यूज करो, इट्स अपॉन यू। अगर आप चिल करने आ रहे हो तो इसमें से कोई रास्ते में से एक बीच पे जा सकते हो जहाँ पे हट्स बने हुए और वहाँ बैठ के कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक समथिंग लेके चिल कर सकते हो। अभी दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कैसा है प्राइवेट बीचेस। मतलब यहाँ से एक प्रॉपर्टी का लाइक थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है कि प्रॉपर्टी कैसी है, हट्स एंड वगैरह। सो लेट्स आई विल शेयर विथ यू। तो देखो ये बीच है और ये हट्स है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको चार्जेस लगेंगे सेम, वहाँ पे भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी कैफे कैफे है। यहाँ पर आप जाओ ऑर्डर करो एंड बैठ सकते हो। तो हम कोनियाल के बीच आ चुके, काफी ज्यादा हैप्पी है ये बीच। यहाँ पे बहुत सारे लोग सन बाथ ले रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत प्रीटी है और व्यू भी बहुत अच्छा है। एक साइड पूरा बीच है और एक साइड माउंटेन्स है, बहुत ही अच्छा। वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब सनलाइट है पर गर्मी नहीं लग रही है, काफ़ी अच्छा है।
यहाँ पे टिकट ले ली है। कितने की है? $15 पर पर्सन, $30 टोटल हुआ हमारा। लेट्स गो। हाय गाइस, तो पूरे दिन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। शाम हो चुकी है, बाहर डिनर करेंगे। तो हम यहाँ स्ट्रीट से गुजर रहे थे तो मैंने यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट बिल्ली देखी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। यहाँ की हर स्ट्रीट में ऐसे ये क्यूट क्यूट कैट्स मिलेंगी आपको। हमें सिम कार्ड भी लेना है और कुछ खाएंगे भी। सही, आज दोपहर को खाया था बट स्नैक्स खाए थे जो हम घर से लाए थे। सो अभी कुछ हैवी डिनर करेंगे। ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, 6 बज रही है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो डिनर ही करेंगे फिर अब। और सिम कार्ड और पैसे भी एक्सचेंज करने। तो हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए मार्केट में थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने। तो पहले हम लोगों ने करेंसी एक्सचेंज करवाई, तो को मैं आपको दिखाती हूँ मैंने करेंसी कहाँ से एक्सचेंज करवाई। इसके प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं। ये
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।